बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर टू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। इन लेक्चर के अंदर अस चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज सॉल्व कंदासे। में नंबर वन पेरे आए फिलिंदी ब्लैंक्स। पेरे फिलिंदी ब्लैंक्स आए द एनिमल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड डैश। एनिमल्स चूँ या ऑर्गेनिजम्स चूँ जो एक सेल जहाँ ठयल हूँ या जो एक सेल से मुश्तमिल हूँ उन्होंने चबो है तो जनरली उनके लिए अस एक टर्म इस्तेमाल कर जैसे चवंदा यूनिसेलर उनके मीनिंग में ही क्लियर है तो यूनि माना सिंगल सेलर माना सेल। तो दोज ऑर्गेनिजम विच आर कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलर। उनका बाद नंबर टू है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन एमोबा आर कॉल्ड डैश। एमोबा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माना आंगुरियन वांगुर स्ट्रक्चर होंगी है उनके चबो है तो एमोबा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगी है जैसे चवंदा सीडोपोडिया। बेसिकली सीडोपोडिया बिन लफ्ज़न की कम्बिनेशन है। सीडो माना फॉल्स, पोडिया माना फीट। अस एमोबा के अंदर उनके जनरल करेक्टर के अंदर पढ़ी आया हूँ तो एमोबा के अंदर प्रोमिनेंट जो ट्रू जो फुट मौजूद न होंदा तो इन लाइ वो लोकोमोशन लाइ पांजे बॉडी के लोअर सरफेस में उवे फॉल्स फीट जो है वो प्रोड्यूस कंदा जैसी मदद से वो लोकोमोशन कंदा। नंबर थ्री है तो बॉटनिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज डैश। असाजे मस्टर्ड प्लांट सिंधी में उनके सरें जो बूटा चवंदा तो उनको बॉटनिकल नालो कड़ो है छो तो अस हर एक स्पीशीज को साइंटिफिक नालो हों प्लांट जो हो बॉटनिकल नेम चवंदे जैसे एनिमल जो होके जो है जूलॉजिकल नेम चवंदे तो इन हवाले से असो हर एक स्पीशीज जो साइंटिफिक नालो हों अस पढ़ी आऊँ तो स्पीशीज नालो बिन वर्डन से मुश्तमिल हों पे वर्ड जो कैपिटल लेटर में लिखा आयो जो स्पीशी जो हों जनरा जो हों बो वर्ड जो है वो स्पीशीज हों जो अस उन ऑर्गेनिजम्स जी करेक्टर या उनसा गुरु गुरु या साइंटिस्ट जो नालो भी थी सके तो पो उन हवाले से अस वो नालो रखा आयू तो इन हवाले से मस्टर्ड प्लांट जो नालो बॉटनिकल या साइंटिफिक नालो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है। नंबर फोर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ हायर प्लांट इज डैश। तो एक हायर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कड़ो हों तो बेसिकली एक हायर प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर हों फ्लावर तो जो चार पार्ट हों कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो वो मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर हों गाइनोशियम फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम के अंदर मुख्तलिफ़ स्टेमिन्स मौजूद हों उन गो ग असाजे स्टेमिन ब पार्ट हों एंथेरा पोलिन ग्रेन जो उ फर्टिलाइजेशन में या स्पम तौर अस उनके छींदा आयो। गाइनोशियम के अंदर कार्पल्स हों उनो वो टे पार्ट हों स्टाइल स्टिग्मा ओवरी। ओवरी के अंदर वो एग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पोलिनेशन एग आए जो है पोलिन ग्रेन्स की पा में मीटिंग थी जैसे नतीजे में असो फर्टाइल सीड प्रोड्यूस है तो इन हवाले से असो फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ हायर प्लांट है। बिहार जो प्लांट पार्ट हों वेजिटेटिव पार्ट हों जो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सो न वा जी रूट स्टीम लीफ वगैरह थी वह। नंबर फाइव है तो पार्ट ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर या वेयर फ्रॉम लीफ अराइज इज कॉल्ड डैश। माना स्टेम जो अड़ो पार्ट जमा लीफ पत्तो निकरे तो पे उनके चबो है तो लीफ जो अड़ो पार्ट या अड़ो पॉइंट जिथा पत्तो निकरे तो पे लीफ एकड़ो निकरे तो पे अराइज थे तो पे उनके चवंदा नोड। उनका बाद नंबर टू है असो द राइट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। तो बुधा तो कड़ा स्टेटमेंट्स उ ट्रू आन या फॉल्स आन। नंबर पे असो स्टेटमेंट है गोनाड्स आर द ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस जम सेल्स। बेसिकली गोनाड असो है सेक्स ऑर्गन्स के छींदा आयूँ उसा रिस्पॉन्सिबल हूँ जम सेल जो जम सेल के सेक्स सेल भी छबो है। उनका बाद बया असा हूँ सोमेटिक सेल जैसे बॉडी सेल छबो है
तो ताजी गल बॉडी सेल बॉडी की ग्रोथ करे ए गोनाट्स असाजा जो जम सेल प्रोड्यूस कहान जो असाजी रिप्रोडक्शन लाइ रिस्पॉन्सिबल हूँ जी गाल जम सेल्स प्रोड्यूस ना तो असि रिप्रोडक्शन भी नी तो इन पे स्टेटमेंट असो ट्रू है। उनका बाद नंबर टू है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर द पार्ट ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ ब्रेन के अंदर बिन किस्म जो सिस्टम हूँ एक हों सेंट्रल नर्वस सिस्टम बो हों पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो इन ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हिस्सा ना कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो इो जो स्टेटमेंट वो गलत है तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स मौजूद हूँ उनके अंदर स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स बाकी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद हूँ। उनका बाद नंबर थ्री है पल्मोनरी वीन कंटेंट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो जो पल्मोनरी वीन इन उनमें डीऑक्सीजनेटेड हों ना यो भी फॉल्स है छे कारण तो जो वीन इन आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुए या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो टू वर्ड्स जो भी ब्लड टू वर्ड्स हार्ट जो ब्लड वे तो पो वो वीन्स जो कम है अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड वे तो पो वो आर्टरीज जो कम है तो इन जनरली अस पढ़ी हूँ तो वीन जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर हार्ट के ईद आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट का ऑर्गन में खड़ी वेंद पर यह असानी वाहिद वीन है पल्मोनरी वीन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छे कारण तो टू वर्ड्स हार्ट में बुधायूं तो जो भी ब्लड वेंद वो असाजू वीन्स ही खणद अवे फ्रॉम द हार्ट जो ब्लड वेंद वो असाजू आर्टरीज खणद इन यो भी असो स्टेटमेंट गलत है छे कारण पल्मोनरी वीन जो है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कह लंग्स टू हार्ट ना ही वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कह डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड वो असानी पल्मोनरी आर्टरी होंगी है जहाँ असाजी राइट वेंट्रिकल का असाजे लंग्स दे खी वी है जिता वो ऑक्सीजन उत एब्जॉर्ब की है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव की है। नंबर फोर ट्रंकस आर्टरियोसस एंड साइनस वीनस जो आर द ट्रू चैम्बर्स ऑफ हार्ट ऑफ फ्रॉग। हाँ अस पढ़ी हूँ तो फ्रॉग के अंदर जो टे जो ट्रू चैम्बर हूँ आर्टरिकल एक वेंट्रिकल बाकी ट्रंकस आर्टरियोस एंड साइनस वीनस जो एसेसरी चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑफ फ्रॉग ना ही ट्रू चैम्बर तो इन यो भी असो फॉल्स है छे कारण तो ये बई जो चैम्बर वे एसेसरी चैम्बर ट्रू चैम्बर ना। नंबर फाइव है ड्यूरिंग पल्मोनरी रेस्पिरेशन गैसेस एक्सटेंड टेक्स प्लेस थ्रू स्किन द पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू जो रेस्पिरेशन गैसेस एक्सटेंड थे पी फ्रॉग के अंदर उनके पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू गैसेस एक्सटेंड थे पी वह स्किन में थी ना जो रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वह उनके थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज थे पी वह लंग्स के थ्रू थी ना ही वह स्किन के थ्रू स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज थी वह होंगी क्यूटिनस रेस्पिरेशन तो इन ये असो स्टेटमेंट भी गलत है छे कारण पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर गैसेस एक्सचेंज वह लंग्स के थ्रू थी ना ही वह स्किन के थ्रू थी है। उनका बाद नंबर लास्ट नंबर थ्री एम सी क्यूज तो इनमें पे एम सी क्यूज है न्यूक्लियस ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय डैश तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कहीं डिस्कवर कर इन अस चैप्टर नंबर टू डिस्कवरी ऑफ सेल में पढ़ी आया से तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाले साइंटिस्ट जो है एक ऑर्गेनिज्म जैसे आर्चिड चौंदा हूँ उन ऑर्गेनिज्म जी सेल के अंदर जो है एक राउंड स्ट्रक्चर डिस्कवर कई जैसे उन न्यूक्लियन या न्यूक्लियस जो नालो दिनों ठीक इन असो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वह रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर कई हुई। उनका बाद असो टाइप ऑफ लेंसिस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज डैश तो लाइट माइक्रोस्कोप जो लेंस कड़े टाइप जहाँ हूँ तो लाइट माइक्रोस्कोप के लेंस जो टाइप वे कन्वेक्स टाइप जहाँ लेंस हूँ हाँ बिन किस्म जो लेंस एक हूँ कॉन्केव बया हूँ कन्वेक्स कन्वेक्स जो उभरियल हूँ और कॉन्केव जो अंदर जो हूँ जो मिसाल तौर गार असानी का होंगी है का सुरिंग जी चूँ या माउंटेन की वही वह अंदर जो है उनको मतलब तो स्पेस हों बाकी एक बी शई जी मिसाल तौर अस बिलोर वगैरह थी या बया
असा काफ़ी किस्म जहाँ मिरर थी जो उभरियल हूँ जहाँ उभरियल स्ट्रक्चर वह कन्वेक्स होंगी है इन लाइ अस लाइट माइक्रोस्कोप के लेंसिस के अंदर भी कन्वेक्स लेंस जो मौजूद हूँ। उन बाद नंबर थ्री है डीएनए इज फाउंड इन डिश तो डीएनए में मौजूद हों बेसिकली डीएनए असो क्रोमोसोम में मौजूद हों इन करेक्ट ऑप्शन है क्रोमोसोम्स। बेसिकली हाँ असो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक क्रोमेटिन मटेरियल जो को कंटेन्स सुकड़बो है जैसे मन सेल डिवीजन थी तो वह असेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेशन वागुर स्ट्रक्चर नजर इंदी है जैसे असा क्रोमोसोम्स चवंदा आहियूं जेके बेसिकली कलर्ड बॉडी भी छबो है जेके असांजी बॉडी के कलर प्रोवाइड कंदा तो उन अंदर जेके इंफॉर्मेशन्स मौजूद हूंदी उन जो बेसिक यूनिट हूँ वो जीन हूँ वो जीन ही जो उनके इंफॉर्मेशन जेके स्टोर्ड हूँ वो प्रोवाइड कंदो आहे तो इन लाइ जो डीएनए जो बेसिक यूनिट वो जीन आहे डीएनए जो वो पाण क्रोमोसोम के अंदर मौजूद हूँ इन लाइ स्ट्रांग जो इन करेक्ट ऑप्शन वो क्रोमोसोम आ। उनका बाद नंबर फोर प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट कंटेन डिश तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कड़ी शई मौजूद न होंगी है अस पढ़ी आयाँ तो प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन प्रॉपर न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल हैविंग प्रॉपर न्यूक्लियस उनकी डेफिनेशन मीनिंग मोह क्लियर आ प्रो मीन्स बिफोर कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस माना ये जो ऑर्गेनिजम्स उनमें न्यूक्लियस का पेरे हुआ न्यूक्लियस अना उन बॉडी में सेल में आयो ही कोन हुए ये ऑर्गेनिजम्स उसे प्रोड्यूस थे हुआ तो जै ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ना उनके प्रोकैरियोट छबो जै जानदार के अंदर सेल अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद हों उनके प्रो यूकैरियोट छबो जै सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस हुए वो यूकैरियोटिक सेल जै सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो वो प्रोकैरियोटिक सेल तो इन लाइ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद न हों। उनका बाद नंबर फाइव ए लास्ट जो असो एमसीक्यूज है द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ फ्रॉग इज डैश तो असो हार्ट ऑफ फ्रॉग में केतरा जो उ हार्ट या चैम्बर्स हूँ अस पढ़ी आयो तो जो हार्ट ऑफ फ्रॉग उ थ्री चैम्बर्ड होंगी है बा जैमें आर्ट्रिकल एक वेंट्रिकल उनमें मौजूद होंगी है बाकी बा जो एसेसरी चैम्बर उ अलग से हूँ बाकी जो ट्यू जो चैम्बर उ थ्री तो इन लाइ इन्हीं असाजे एमसीक्यूज के अंदर जो असो करेक्ट ऑप्शन है वो है थ्री तो इन हवाले से ये असो बे चैप्टर की एक्सरसाइज जहाँ वह भी कंप्लीट थी वही टे लेक्चर के अंदर या ये खी चौं तो कलेक्टिवली लेक्चर नंबर 27 के अंदर अस थर्ड चैप्टर की जो है वह एक्सरसाइज डन कदे उनका बाद में लेक्चर नंबर 28 में अस फोर्थ चैप्टर के जो है वायरस बैक्टेरिया एंड साइनो बैक्टेरिया के एक्सप्लेन कदे तो इन हवाले से पुट मेहनत कदा रो असा वीडियोज उ भी व्यूज कंदा रहो डेली वेजिस से जो अस लेक्चर अपलोड करायूं था पाया मेहनत करे असे बैड इन्वायरमेंट में खराब जो है कंडीशन्स में इन जो कोरोना की कंडीशन्स में अस रिस्क खी जो है स्कूल पहुँचूँ था पाया तवे लाए पढ़ाने लाए तवा सेफ्टी दूँ था घर में वही जो है तक ये असा लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर आज ये पुट समझो पढ़ो छाने हाँ असो तकरीबन चांसिस घट लगंदा पे तो बिन चैन महीनों के अंदर असा स्कूल खुलंदा तो इन लाइ असो जो कम हलो आ स्टडी करनी आ फिलहाल ऑनलाइन ही करनी आ तो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है जैसे असा परमानेंट क्लास ना हलन तो भी असा तवे ऑनलाइन जो लेक्चर प्रोवाइड क्यों था पाया असो रिस्क खी कर स्कूल पहुँचूँ था पाया तो तवे लाइ बरबानी पुट असा लेक्चर जो छो जो असें रिपोर्ट मिली है तो स्टूडेंट्स जो लेक्चर तमाम घट बुधी रहा तो जे पुट लेक्चर बुधन था पाया ऑलमोस्ट कुछ अड़ा बार भी जो 100% असा लेक्चर वो डाउनलोड कर असा पढ़न था पाया बुधन था पाया तो उन बार भी जो है इन्फॉर्म किया सारा वा बाकी जो लेक्चर उ रिकॉर्ड कर मोकलन था पाया तो सभी बार ये लेक्चर जो है बुधन घुर्जन समझन घुर्जन छाने असा स्टडी नोट्स भी इन लेक्चर के हवाले से प्रोवाइड क्या असू टेस्टू हैं जो पॉसिबल है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी असानी ऑनलाइन थी सो कीप वर्क हार्ड स्टे होम
थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।